मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह ने ठान लिया है कि हर युवा को शराबी बनाना है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार 500-500 रुपए में घर घर शराब पीने के लिए शराब के लाइसेंस देने जा रही है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान ने 500-500 रुपए के लाइसेंस के नाम पर राजस्व के लिए हर घर शराब योजना लागू कर दी है। मध्य प्रदेश में अब लोग अपने घरों में ही 500 रुपए का लाइसेंस लेकर अहाता बना सकेंगे। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इसकी कड़ी निंदा की। इस निर्णय का विरोध करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर हल्ला बोला। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये ठाना है कि मध्य प्रदेश के हर युवा को शराबी बनाकर ही मानेंगे, और जिस तरह से 500 रुपए में हर घर मैखाना खुलने की अनुमति दी है, ये सही में पूरी आने वाली युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रख देगा। शिवराज सिंह चौहान जी से मैं बोलना चाहूंगा कि आप हर घर मैखाना मत खुलवाइए। अगर वहां खुलना चाहिए तो वहां लाइब्रेरी खुलना चाहिए। प्रदेश में अगर खुलवाना है तो स्कूल खुलवाइए, कॉलेज खुलवाइए, आप हॉस्टल्स खुलवाइए, उनको रोजगार दीजिए। इससे युवाओं का भविष्य बनेगा, ना कि मैखानों से। इस बहुत ही गलत निर्णय है, बहुत ही दुखद निर्णय है, और इसके एक युवा होने के नाते मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। युवा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसको पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।